नमस्कार। म्यूजिकल हेरिटेज में आज हम आपकी मुलाकात एक बेहद खास शख्स से कराने जा रहे हैं। ये मुलाकात इसलिए बेहद खास है क्योंकि जब हमने म्यूजिकल हेरिटेज की शुरुआत की थी तब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक महीने के भीतर भीतर हम पंडित बिरजू महाराज जैसी शख्सियत को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ सकेंगे और तमाम जो शास्त्रीय संगीत की जो अलग अलग विधाएं हैं, जो गीत है, जो संगीत है, जो नृत्य है, उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके जानकार हैं, उन तक पंडित बिरजू महाराज जी की बातचीत को पहुंचा पाएंगे। लेकिन ये सच है, और ये सच है इसकी वजह ये है कि पंडित जी का सहज हृदय, पंडित जी का बड़कपन। एक खास बात इस इंटरव्यू की और भी है कि हमारे साथ इस इंटरव्यू में होंगी डॉक्टर चित्रा शर्मा, जो कला समीक्षक हैं, खुद कथक सीख चुकी हैं, और उसके अलावा कथक से जुड़े जो तमाम घराने हैं, जो तमाम उसकी बारीकियां हैं, उसको समझती हैं। चित्रा जी और मैं आभारी हैं पंडित बिरजू महाराज जी के कि उन्होंने हमें समय दिया, और अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल चित्रा जी आप पूछिए। महाराज जी, आज आपसे मेरा जो सबसे पहला प्रश्न है कि कथक कथा कहने वाले कहलाए, आप आज के संदर्भ में, आज के समय के हिसाब से आप कथक की भूमिका किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल से अभी ऐसा है कि आनंद, शांति, खुशी, ये जमाने को ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। और जैसे 2 घंटा 3 घंटा आप एक ही जगह जब सुनते हैं आप कि साहब आज तो बस कमाल हो गया, पंडित जी ने ऐसा बजाया कि सुबह हो गई, सबका योग करा दिया, सबका ध्यान करा दिया, आदमी संसार से हटके एक तरफ हो गया, तो योगा आप कराते रहते हैं। मतलब एक इनडायरेक्टली आप योगा कराते हैं सबको, और वो योग बहुत ज़रूरत है क्योंकि संसार में फंसे हुए हर इंसान 24 घंटे की सुबह उठते ही यहाँ फ़ोन करना, ये करना, वो करना, उससे हट जाता है, और वो सिर्फ देखता है कि बिरजू महाराज नाच रहे हैं, बस 2 घंटा में वही देखना है। तो योग का ध्यान है, और मेरे ख्याल से ये इनडायरेक्टली आपके समाज को कुछ ना कुछ मानसिक आपको संतुलित करता है। अपने गुरुजनों से लखनऊ शैली में ही आपने शिक्षा भी ली और आपने उसको एक विस्तार किया, तो आपकी दृष्टि में लखनऊ अन्य घरानों से उसकी अपनी ऐसी क्या विशिष्टताएं हैं जो लखनऊ को एक अलग शैली के और घराने के तौर पर स्थापित करता है? बस यही सबसे बड़ी विशेषता है कि लखनऊ वाले हर बॉडी के हर हिस्से को अहमियत देते हैं। कलाई कौन है, कंधा कौन है, कोहनी कौन है, वक्ष कौन है, ग्रीवा कौन है, आँखें कौन है, भमे कौन है, हर अंग उपांग को वो पूरी तरीके से देखते हैं। जैसे कई लोग सिर्फ उसके छंद को देखते हैं, हम लोग पूरे हिस्से को देखते हैं कि संपूर्ण श्रृंगार बॉडी का, जो संपूर्ण श्रृंगार से मतलब ताल और सुर से पूरे को उसके अंदर इन्वॉल्व कर देना, ये बहुत कम होता है। पंडित जी, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ शुरुआत में, इसलिए क्योंकि ये सवाल हम अपने सभी मेहमानों से पूछ रहे हैं ताकि हमारे जो तमाम देखने वाले हैं, हमारी वेबसाइट पर आने वाले जो लोग हैं, जो हमें पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो जान सकें कि दरअसल शुरुआत कैसे हुई थी, पंडित बिरजू महाराज का जो सफ़र है आज इतना लंबा, वो शुरू कैसे हुआ? ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी तो शुरू हुई लखनऊ से, और लखनऊ से मैं 3.5-4 साल की उम्र का छोटा सा लड़का, तालीम खाने की तालीमों में जो सुनता था मैं आवाज़ें घुंघरू की, तबले की या वगैरह, तो नेचुरली दिमाग में जब तबले की थाप और हारमोनियम, तो मैं जाता था वहाँ बैठ, चाहे कुछ खाता रहूँ, कुछ भी करूँ, पर सुनता रहता था और देखता था, और अक्सर वहाँ से लौट के अम्मा को दिखाता था मैं कि अम्मा मुझको भी आता है, तो मैं गिर पड़ता था क्योंकि मैं 3.5-4 साल का था, तो कहें जब बड़े हो जाना बेटा तब ठीक से नाचना, अभी तुम देखो सुनो खाली। तो इस तरह से हमारा समय शुरू का तो बीता, उसके बाद लखनऊ, और बेहद शौक़ पतंग का शौक़, मतलब बचपन से हमारे लखनऊ का तो मशहूर वो एक खेल था, तो अक्सर मैं उसी में फंसा रहता था। उसके बाद ये हुआ कि बाबूजी की तालीम, चाचा जी की तालीम शंभू महाराज की, मेरे पिताजी अच्छन महाराज, लच्छू महाराज जी तो बम्बई थे और वो फिल्म्स के उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे उस वक़्त, तो बाबू हमारे जब किसी को सिखाएं तो हम भी बैठ कर देखते रहते थे, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता था कि हम भी थोड़ा सीख लें, तो वही थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना तो शुरू हुआ,
पर जब मैं करीब करीब 5-6 साल का हुआ तो बाबू हमारे नौकरी करते थे रामपुर नवाब के यहाँ, और उनके यहाँ मैं नाचा हूँ करीब 6 साल की उम्र में नवाब साहब के कोर्ट में बाकायदा। और वो मुझे बहुत प्यार करते थे और अक्सर मुझे बुलाते थे कि भाई बेटे को भी लाना साथ साथ। तो हालांकि मुझे ख़राब लगता था, रात को नींद ख़राब होती थी, तो मुझे बहुत अम्मा से कहूँ कि यही कौन सा रात को उठाते हैं मुझे बहुत रोज़ अक्सर। तो बस इस तरह से वहाँ नाचे, फिर धीरे धीरे 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, फिर करीब मेरे ख्याल से 9 साल का हुआ हूँ, 9.5 साल, तब पिताजी की मृत्यु हो गई लू लगने से। बस यही हुआ, फिर गर्दिश के ज़माने शुरू हुए, स्ट्रगल बहुत हुआ और काफ़ी स्ट्रगल मतलब हर तरह का, पैसे से भी हर तरह से। तो अम्मा ले लेके बेचारी हमें कभी बास बरेली, कभी जयपुर, कभी कहाँ कहाँ पर नेपाल तक हम लोग उस ज़माने में जब 3 दिन में पैदल चलते थे, तो उन ज़माने की बात कर रहा हूँ, वो ले गई थी कि राजा साहब खुश हो जाएं, कुछ दे दें। मतलब उस वक्त, इस वक्त ऐसा था कि कहीं भी 50 रुपए भी मिल जाते हैं तो समझो बहुत है खाना वाना खाने के लिए। तो अम्मा हमारी लेके कानपुर भी पहुँची, कानपुर में करीब करीब 4.5 साल में रहा, और जीजा के यहाँ बड़ी बहन थी, तो वहाँ 2 ट्यूशन किए मैंने बचपने में। और मतलब आप समझिए 11-12 साल की उम्र में क्या हमें करता था काम, पर वहाँ से काम करते करते फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो कपिला वादशाह इंडिया हमको वहाँ लखनऊ गई और कहने लगे बेटा कुछ करता है क्या, अम्मा से पूछा, क्योंकि दीदी जो थी हमारे पिताजी की शागिर्द, तो हमको ले आई और ला के संगीत भार, इसका नाम था हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड डांस, उसमें हमको उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने के लिए ले जाते हैं, अगर कामयाब हो गए तो आगे। तो ईश्वर की बहुत कृपा से हमने क्या किया कि काम शुरू किया, तो बहुत सब लोग खुश हो गए। बस 4.5 साल में वहीं रहा, फिर भारतीय कला केंद्र, भारतीय कला केंद्र से कथक केंद्र। तो दिन ब दिन सोच हमारी विचार सब बढ़ते गए, और बढ़ते करते अनेकों रचनाएँ मैंने की, और वहाँ से नाम ईश्वर की कृपा से बहुत कलकत्ता, बॉम्बे सब तरफ होने लगा। तो कलकत्ते को मैं अक्सर कहता था मेरी माँ है कैरियर की, और पिता मेरे महाराष्ट्र माने बॉम्बे। ऐसे करके फिर ज़िंदगी शुरू हो गई, और आज तक मैं उसी ईमानदारी से काम करता हूँ और सिखाता हूँ बच्चों को, देश विदेश, देश के अंदर बहुत से वर्कशॉप करता हूँ, बम्बई, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, बहुत सी जगह। ऐसे जीवन चलता गया, और कथक में बहुत से सुधार, यानी कि सौंदर्य क्या है कथक का, उसको मैं खुद जान सका कि कितना खूबसूरत है और हमको और क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो यूँ चल रहा है। पंडित जी, आप 1940 35-40 के आसपास की बात कर रहे हैं, और उस वक्त तो डांस को ही बहुत बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता था, बहुत ख़राब दृष्टि से देखा जाता था बल्कि कहना चाहिए। उस माहौल में आपका डांस करना, एक एक पुरुष का डांस करना, चुनौतियां बहुत सी रही होंगी। अड़चने तो थी, क्योंकि उन दिनों लड़के को कहते थे कि भाई इसको नचनिया बनाओगे या क्या करो। पर मेरे घर में तो ये रहा ना कि सब दरबार के नर्तक सारे, नवाब साहब के यहाँ रामपुर नवाब या लखनऊ के नवाब, दरबार के ही ये नर्तक रहे हमारे बाबा वगैरह सब लोग। तो उस वक़्त तो कोई शिकायत थी नहीं, लेकिन आम तौर से जब ज़िंदगी शुरू हुई तो सब लोग वाकई में कहते थे भाई गाने बजाने वालों के यहाँ ना बैठो, ज़्यादा ख़राब हो जाओगे। उनके दिमाग में ये था कि गाने बजाने वालों के यहाँ अच्छे लोग नहीं बनते, जबकि हमारे यहाँ की तालीम में हरदम अदब लिहाज ये सब सिखाया गया गुरु के नाते। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही रहा। फिर ये कहा कि भगवान कृष्ण भी तो पुरुष थे और शंकर जी भी पुरुष थे भाई, तो सभी तो पुरुष थे हमारे, तो नर्तक तो सभी रहे हैं। उसके बाद दिक्कत तो हुई, लेकिन फिर लड़कियां हमारी सामने आईं जब स्वराज के बाद, पढ़ी लिखी सब लोग सीखने लगे। उस वक़्त से फिर हम लोगों का एक काम शुरू हुआ, और फिर स्कूल बने, बहुत से अब कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई बहुत बड़ी बड़ी, और उसमें रंगमंच मिला, तो रंगमंच के ऊपर फिर सब लोगों को आने का मौका मिला, और सब लोग मतलब सब गाने से लेके बजाने से लेके सभी लोग उसमें सबका ही सहयोग है। पंडित रविशंकर जी ने पूरे विश्व में फैला दिया सितार, विलायत खान साहब, आमिर खान साहब,
भीमसेन जी, बिस्मिल्लाह खान साहब, ये सब लोग एकदम सामने आ गए। और इन तमाम लोगों की वजह से बहुत बड़ा एक चर्चा क्लासिकल नृत्य और म्यूज़िक के लिए, संगीत के लिए होने लगा। तो उस वजह से हम लोगों का भी भला हुआ कि भाई चलो, क्लासिकल एक कुछ ऐसी पद्धति है जिसको कि सीखने में कोई बुरा नहीं है, कोई ऐसा चटक पटक वाला नहीं है डांस। इसके अंदर ध्यान है, तपस्या है, रियाज है, मजबूती है। आप तो नर्तन, एक अच्छे नर्तक होने के अलावा बहुत अच्छे गायक और वादक भी हैं। आपके पास संपूर्णता है एक संगीत की, तो आप इस जीवन को, चूँकि इन तीनों का ही आधार ताल और लय है, तो इस पूरे जीवन को आप ताल और लय के हिसाब से कैसा देखते हैं? ताल और लय तो हम समझते पूरा जीवन है, क्योंकि जो लय और ताल तो एक ही नाम है, लेकिन स्वर का एक दूसरा नाम है, स्वर और ताल, ये दोनों के जोड़े हैं। ताल के बगैर स्वर नहीं, स्वर के बगैर ताल नहीं। और जिस वक्त कहते हैं कि ताल जब शुरू होती है उसी पर स्वर दौड़ता है, स्वर के साथ ताल की संगत जरूरी है, चोली दामन का साथ है। अगर आप सिर्फ सबके सामने आलाप करते रहें तो थोड़ी देर में आदमी ऊब जाता है। जैसे ही ताल के हल्के हल्के जर्क शुरू होते हैं तो लगता है हाँ, अब कुछ शुरू हुआ। मतलब आपका ये मानना है कि प्रकृति की हर भाषा में ताल और लय है, प्रकृति की हर चमक में, हर चीज़ में है जी, हर पूरी प्रकृति में। हाथी को हिरण जैसा नहीं दौड़ाया है, हिरण अपनी कुलाचे भरता है, हाथी अपनी चाल से चलता है, शेर को एक ज़्यादा ताकत दी है दौड़ के पकड़ने की, हर पक्षी में पर मारने की एक टाइमिंग है, पर मारता है वो टाइमिंग के ऊपर। हर चीज़ में हमें तो लय दिखाई पड़ती है, हर पेड़ की हर डालों में डांस दिखता है, हर पत्तियां हिलती हैं उसके अंदर भी, डांस के अंदर अंदर हर थिरकन सुनाई पड़ती है। अगर रात को आप गौर से पत्तियों की हल्की सी हवा में उसकी आवाज़ सुने तो घुंघरू झमकते हैं, तो कहाँ आपको नाच नहीं दिखता है? क्योंकि शिव ने नचा दिया सबको, पूरी प्रकृति को नचा दिया, तो फिर आप जाओगे कहाँ? तो यही कहने का मतलब है कि लय और संगीत और ताल, ये स्वर जो है, ये हमारी, हम देवी उसको देवी मानते हैं स्वर को, और ताल को देवता मानते हैं, ये दो हैं। पंडित जी, कभी ऐसा लगा कि कथक क्यों कर लिया, कुछ और कर लेते, शायद इससे ज़्यादा नाम हो जाता, शायद इससे ज़्यादा पैसे कमा लेते, कभी अफसोस भी हुआ क्या कि कथक क्यों किया? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से हमारे जो न्यू थी हमारे दिमाग में, अम्मा ने जो बाबा के प्रति, पिताजी के प्रति डाल रखा था, उससे यही लगा था कि हमारे गुरु लोग हैं, उन लोगों ने सदा ईमानदारी से बच्चों को सिखाया, बच्चों को बढ़ाया, और तमाम गुरु बना दिए हम लोगों ने, एक नहीं तमाम गुरु बना दिए, जो अभी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी विरक्ति की भावना? नहीं, क्योंकि ऐसा हमारा संगीत और म्यूज़िक का ऐसा एक धुन है कि जिससे हमें किसी की चीज़ की कमी नहीं लगती है। मुझे लगता है कि यही सबसे सही है, यही मेरा ध्यान है, इसी में हमारी ज़िंदगी आगे भी खोज चलती रहेगी। क्योंकि मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा शागिर्द कहता हूँ, गुरु नहीं कहता हूँ कभी भी, मैं शागिर्द हूँ अच्छा। पंडित जी, ये मॉडेस्टी कहाँ से आती है, ये सहजता कहाँ से आती है कि आप अभी भी अपने आप को शिष्य मानते हैं? आप कहते हैं कि मैं शिष्य हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। मैं एक मंथन गुरु ने मेरे दिमाग में, दिल में डाल दिया। हर सुबह मेरी जो होती है एक नई चीज़ से शुरुआत होती है, और सोचता हूँ शाम को मेरे जो शिष्य आएंगे उनको आज मैं ये सिखा दूँगा, तो पहले सीखने वाला तो मैं ही हूँ। मंथन तो दिमाग और दिल करता है, पर शिष्य तो मैं हूँ, मैंने पहले मैं सीखता हूँ फिर मैं उनको सिखाता हूँ। तो ये निरंतर, ये लगातार बना हुआ है मेरा, ईश्वर की कृपा से बंद नहीं होता। तो इसलिए मुझे तसल्ली है कि हाँ, तो इसलिए मैं शागिर्द कह रहा हूँ अपने आप को ना, कि चीज़ बनती है उनकी कृपा से, फिर मैं याद करता हूँ, पहला शागिर्द मैं, उसके बाद सबको बांटता हूँ। पंडित जी, घर में, घर के बाहर, किसी भी, अभी तक के आपका जो पूरा अपना जीवन है उसमें किसी का वो स्नेह का वो भाव जो आँखों में आंसू ले आया हो? अब वो तो देख लीजिए, यानी पिताजी के बाद जो है अच्छन महाराज जब गुजर गए, उसके बाद अम्मा हमारी, वही हमारी मददगार थी और मैं उनका मददगार रहा। क्योंकि अम्मा जो है हमारी, उस वक़्त हरदम कहें बेटा देखो, चाहे कुछ भी खाने को मिले, जो पहनने को मिले, पर
तुम अपने रियाज को और अभ्यास को ना भूलना, जो जो तुम्हारे पिता ने सिखाया, चचा ने सिखाया, फिर हम उसी में लगे रहे, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं हुई। उसके बाद ईश्वर कृपा से, मतलब बस में सफ़र होने के बाद फिर साइकिल भी खरीद ली, साइकिल से हम गाड़ी पे आ गए, और अब तो ईश्वर कृपा से बहुत कुछ है। गुस्सा आता है पंडित जी आपको कभी कभी, क्रोध आया हो? ना, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, गुस्सा करना आता ही नहीं। बहुत प्यार से डांटता हूँ बच्चों को, अगर डांटना भी तो मुझे सोचना पड़ता है डांटू कैसे। कथक अभी पंडित जी जिस दिशा में जा रहा है, सही दिशा पर है वो? बिल्कुल 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 सही जा रहा, क्योंकि मेरे पास कलाश्रम में इस वक्त 400 स्टूडेंट हैं, देश विदेश सब जगह के हैं, और बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम मिल रही है। उसमें हमारे साथ खुद मेरे, देखिए दो बेटे तो हमारे ही हैं, जयकिशन महाराज जो कथक केंद्र में हैं, दीपक महाराज मेरे साथ हैं जो अच्छा नाचते हैं। इसके अलावा मेरे चचा के दो बेटे हैं, राम मोहन कृष्ण मोहन, वो भी काम कर रहे हैं और वो भी अच्छा खुद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने कहा ना कि तमाम गुरु बना दिए, अच्छे अच्छे लोग बना दिए, जिसमें शाश्वती भी हैं, महुआ शंकर भी हैं, विदेश में प्रताप पवार हैं, तीरथ अजमानी, मैं नाम गिनाऊँगे तो बहुत से हो जाएंगे, अमेरिका में तालीम दे रहे हैं हमारे शागिर्द, और जिसके जापान में हैं जिनके खुद के 100 स्टूडेंट हैं, जापानी लोग, चाइनीज़ लोगों को भी सिखाया मैंने, तो है चारों तरफ ईश्वर की कृपा से। उससे मुझे बड़ी तसल्ली कि मैंने काम किया है। आपकी बात पंडित जी आम तौर पर जो आपकी पीढ़ी के लोग हैं या जो आपकी उम्र के लोग हैं उनसे अलग है। अमूमन जब मैं आपके उम्र के लोगों से सवाल जवाब करता हूं तो वो नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं उस तरह से सुनने वाले नहीं रहे, उस तरह से सिखाने वाले नहीं रहे, उस तरह के कलाकार नहीं रहे, लेकिन आप कम से कम ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ग्लास जो है वो आधा खाली नहीं है बल्कि आधा जो है वो भरा हुआ है। देखिए एक ही प्रोग्राम की मैं चर्चा करूँगा इसलिए कि और भी जगह पर ऐसा हुआ, लेकिन श्रीपोर्ट में जाकिर भाई थे मेरे साथ, मैं भी था, सारा श्रीफोर्ट भरा हुआ, दीवारों से लोग चिपके हुए, पैसेज में बैठे हुए, और बाहर से 500 लोगों की आवाज़ आ रही कि स्पीकर लगाइए, स्क्रीन लगाइए, वरना हम तोड़ देंगे दरवाज़ा। तो साहब ये जो चाहत है, तो अब लोग तो करोड़ों हैं, अब करोड़ों, कई लोग मंदिर जा रहे हैं, कई लोग नहीं जा रहे हैं, कोई नाइट क्लब जा रहा, तो हम काहे को कहें, कोई सिनेमा का शौकीन है रहो, पर हमारे चाहने वाले जो हैं हमारे पास हैं, हमें उसकी बात तसली है, काहे को हम पूरे हिंदुस्तान का ठेका लें भाई तुम भी ज़बरदस्ती सीखो, ज़बरदस्ती कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत चुन के काम किया है, सत्यजीत दादा की फिल्म, सत्यजीत रे की शतरंज की खिलाड़ी, उसके अलावा मैंने दिल तो पागल है में एक डांस पीस था छोटा सा माधुरी का, तो मैंने कहा भाई हीरोइन शब्द क्या है, पहला सवाल था, क्या शब्द है ही नहीं, शाहरुख खान का ड्रामा है, मैंने कहा तब तो निशब्द है, तो ड्राम है तो ठीक है, तो मैंने वो कर दिया। फिर गदर में एक गाना था वो भी परवीन सुल्ताला तथा अजय चक्रवर्ती का गाया हुआ, तो मैंने कहा क्लासिकल सिंगर से तो करूँगा मैं, उस तरह से मैं फिर देवदास पर आया जिसमें महाराज की ठुमरी, बाबा की ठुमरी थी और उसमें दो लाइन मैंने भी गाई थी, तो वो हमने लिया। फिर उसके अलावा जो भी विश्व रूप में हमें अपने कमल हसन का, उनका भी गाना महू राधा तेरी तू है श्याम मेरा करके, उसमें भी राधा श्याम आ गए, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, अच्छा शब्द है और करने वाले कमल हसन जी हैं और बड़े ग्रेट डांसर हैं, उनको मैंने समझाया तो कहले मुझे करेक्ट करना महाराज, गड़बड़ ना होने पाए मेरे से, तो मैंने उनको बहुत समझा और बड़े प्यार से। इन लोगों ने क्या किया कि माधुरी या कमल हसन, ये लोगों ने हमें डांस मास्टर नहीं समझा, महाराज समझा। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमें जब महाराज समझ के काम करोगे तो मैं करूँगा, डांस मास्टर तो बहुत से घूमते हैं वहाँ ढेर सारे। सबसे बड़ी संपदा जिसको कहते हैं कि प्रभु ने और गुरु के आशीर्वाद ने मुझे जो मेरी बुद्धि दी है अपने काम के लिए, वो इतनी बड़ी चीज़ दे दी है कि ना ख़त्म होने वाली, अंतहीन तक, जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा, तो इसलिए कोई हमें वो नहीं है। पंडित जी तमाम कलाकार जो हैं वो कहते हैं कि कई बार ऐसा उन्हें लगा कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि शायद ऊपर से कोई शक्ति है वो उनसे करा रही है उनका परफॉर्मेंस, उनका उनके हाथ, उनके पैर, उनकी आंखें, उनका दृश्य, सब कुछ जो है वो कोई तीसरी ही शक्ति है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, जो आशीर्वाद है गुरु का और ईश्वर की कृपा होती, यही दो चीज़ें मिलके इंसान को बहुत कुछ दे देती हैं। नहीं, मुझे एक वाकया याद है, बम्बई का प्रोग्राम भजन कर रहा था मैं, प्रगटे ब्रजनंद लाल सकल सुख न जाए, बाबा का रचना था, बाबा ने तो 5,000 ठुमरी दादा लिख दिया,
वो भाव मेरा ख़त्म हो गया, मैं भगवान को झुलाते हुए चुपचाप खड़ा हो गया कि भगवान प्रकट हुए, मैं रुक गया। म्यूजिशियन चुप हो गए, ऑडियंस चुप है, न उसने रियलाइज़ किया कि ख़त्म हो गया, ना मैंने रियलाइज़ किया, ना म्यूजिशियन ने। बाद में अचानक कुछ सेकंड के बाद सबने ताली बजाई, मैं भी चौंका, अरे ये तो भजन ख़त्म हो गया। तो म्यूजिशियन से लेके हम सब लोग एकदम खोए हुए थे। ऐसी कोई भावना हुई होगी, कोई ऐसा भाव हुआ होगा जिसमें हम सभी के सब वहाँ पहुँच गए, कोई भी अपने होश में वैसे नहीं था। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर हो सकती हैं, हो जाती भी हैं, अगर आप अच्छा मनन करने वाले इंसान हैं तो। आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरीके का एक संदेश देना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपके जो सिखाए हुए शिष्य हैं, जो आज गुरु भी बन चुके हैं, तो वो भी कुछ नए सृजन और नए उपज के साथ कथक को एक नया आयाम दें? बिल्कुल करेंगे, और सब कर ही रहे हैं, वो तो मामूली बात थोड़ी है, सभी लोग कर रहे हैं। यानी यहाँ तक कि वो तमाम नृत्य नाटिका के नाम से अनेकों रचनाएं हुई हैं, यहाँ तक कि विदेशी कहानी। और हमारा तो कहने का मतलब, किसी ने पूछा था कि रोमियो जूलियट आपने कैसे करवा दिया, मेरा संगीता शाश्वती का कंपोजिशन। इंसान प्रेम चाइना का हो, प्रेम ब्रिटेन का हो, प्रेम अमेरिका का हो, इंसान है, और उसके अंदर उसका क्षोभ भी है, दुख भी है, जुदाई भी है, खुशी भी है, आनंद भी है। तो भाई इंसान तो इंसान है, चाहे कहीं का है। तो कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पर तबला सारंगी बज जाता तो मैं कहता हूँ रोमियो जूलियट जो राधा कृष्ण खड़े हैं, तो वो मुझे नहीं छूटते, वो किसी रूप में दिखते ही मुझे। पंडित जी, अगर कुछ बोल, कुछ भी जो आपका मन करे, आप हमारे जो तमाम दर्शक हैं, जो हमारी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं, जो आते हैं वेबसाइट पर आप जैसे लोगों के इंटरव्यू को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके लिए अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो। ये नाद ब्रह्म है, नाद के ब्रह्म के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसमें आवाज़ होती है, रोज़ की भाषा नहीं होती है, ना हम हैं ना तुम हो, ना ये है ना वो है, ना लेना है ना देना है, निस्वार्थ ये धान धा धान धा ध्यान ही था जो प्रभु का, या अपभ्रंश होकर ध्यान हो गया, तो धान से वो ध्यान से ध्यान हो गया। पर ये बिल्कुल अगर यही इन बोलों से आप शिव की पूजा करते हैं तो ये महामंत्र है। तो ये कहने का मतलब है कि उसमें हमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं तो शागिर्दों को कहता हूँ, भगवान के सामने खड़ो कि दो टुकड़े बोल लो, फल वही मिलेगा, शांता का आरंभ भुजक शयनम का, कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। ऐसा पंडित जी, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और जैसा मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था, ये सच है कि मुझे ये इंटरव्यू एक चमत्कार की तरह लग रहा है, ये मुलाकात एक चमत्कार की तरह लग रही है। इतने कम वक्त में आपने हमें अपने अपने इंटरव्यू के लिए आपने सहमति दी, और आपने इतनी सहजता से बात की, इतनी अच्छी बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। चित्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंडित बिरजू महाराज, और जैसा हमने, मैं लगातार कह रहा हूँ वही बात एक बार फिर, कि जिस तरीके से म्यूज़िकल हेरिटेज के प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म के शुरू हुए अभी सिर्फ महीने भर हुए हैं, और उस पर अगर इस तरह के बड़े कलाकार का आना इस बात का संकेत है कि हम अब भी अपने शास्त्रीय संगीत की जो जड़ें हैं, जो गीत संगीत की जो परंपरा है, जो संस्कार है, उन जड़ों को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, और न सिर्फ आगे तक ले जाना चाहते हैं बल्कि उसकी खुशबू को और फैलाना चाहते हैं, उन परंपराओं को और विकसित करना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ हम आपको ऐसे ही तमाम बड़े कलाकारों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।